शरद मल्होत्रा और अलीशा पनवर, जी हाँ दोनों एक साथ बहुत जल्द नजर आने वाले हैं, पर कब और किस चीज में वो सब बताऊंगी अपने आज के इस वीडियो में। चलते हैं फिर बिना किसी लंबी बहस के अपने आज के इस वीडियो में। चचो गाय, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरद मल्होत्रा अभी गायब कुछ टाइम से गायब है टीवी ऑन एयर से, लेकिन बहुत जल्द वो नजर आने वाले हैं और अलीशा पनवर भी बहुत जल्द टीवी में नजर आने वाली है। जी हाँ, किस में नजर आने वाली है तो मैं आपको बताती हूँ कि शरद मल्होत्रा और अलीशा पनवर आने वाले हैं बहुत जल्द एक साथ, वो भी एज अ कपल बन के। जी हाँ, बहुत जल्द वो एक साथ एज अ कपल बन के नजर आने वाले हैं। और वो क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस, वो एक सीरियल है जिसमें शरद मल्होत्रा और अलीशा पनवर मेन किरदार निभाने वाले हैं और वो सीरियल का सब कुछ कन्फर्म हो चुका है। सिर्फ एक दो कास्टिंग रह गई है, जैसे ही वो कन्फर्म होंगी तो उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कास्ट कन्फर्म हो जाएगी तो मेकर्स ने डिसाइड किया है कि हम उसका नाम अनाउंस कर देंगे कि उस सीरियल का नाम क्या है, लेकिन अभी तक उसका उस सीरियल का नेम अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये कन्फर्म जरूर हो गया है कि शरद मल्होत्रा और अलीशा पनवर हमें एक साथ एज अ कपल बहुत जल्द नजर आने वाले हैं। जैसे ही वो एक दो कास्ट कन्फर्म हो जाएंगे तो बहुत जल्द फिर हमें अलीशा पनवर और शरद मल्होत्रा नजर आ जाएंगे। सो गाइस, देखते हैं कि ये कास्ट कब कंफर्म होते हैं और इसका नाम क्या हो सकता है और शरद मल्होत्रा और अलीशा पनवर की जोड़ी एज अ कपल हमें कैसे लगती है। खैर देखते हैं, जब ये सीरियल ऑन एयर होगा हमें तभी पता चलेगा। बाकी कैसे आप लोग कितने एक्साइटेड हैं शरद मल्होत्रा और अलीशा पनवर को एज अ कपल देखने के लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस, वो कौन सा सीरियल हो सकता है, क्या वो किसी का सीजन 2 होगा, मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है वो क्या हो सकता है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।